सीबी हॉर्नेट 160R, ये सीबी हॉर्नेट है और 160R है ये। तो इसका जो क्लच प्लेट होता है, तो इसका क्लच प्लेट को हम चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे खोला जा रहा है, कितना आराम से खोला जा रहा है। इसको ठोक के खोलने से क्या होता है कि आराम से खोलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है ये सब नट। क्या इसके अंदर डस्ट है, चेक करते हैं। हाँ देखिए, ये सब क्लच प्लेट जलने के बाद जो डस्ट बना है, ये उसका डस्ट है। यहाँ का एक जाली होता है, देखिए जाली खोल के चेक कर लेते हैं कचड़ा है कि नहीं है इसमें। तो देखिए कचड़ा वैसा नहीं है, खास हल्का में है कचड़ा। तो इसको क्लीन करके ही लगाएंगे। यहाँ से मोबिल पास होता है फ्रेश होके। अगर मिस्त्री भाई लोग के पास ये वाला पूलर नहीं है तो वो लोग ख़रीद लें, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं आता है। ये 60 से 70 रुपए में आ जाएगा और इससे बहुत काम आता है ये खोलने में, क्लच प्लेट वगैरह। देखिए यहाँ फंसा के कितना इजी तरह से फंसा के हम खोलेंगे। देखिए कितना आराम से फंसा के खोला जाएगा। चलो खोलो। देखिए कितना आराम से खुल गया, पकड़ने से खुल गया। देखिए मिस्त्री थोड़ा टेंशन में है, दिमाग लगा रहे हैं, नहीं खुल रहा है, इसका पूलर नहीं है इसलिए। आखिर दिमाग लगा के खोल ही नहीं है, देखिए कैसे खुल रहा है। ये देखिए इसका हल्का सा घिसा है, ये चल जाएगा अभी। इसको क्लच सेंटर कहते हैं। और ये रहा क्लच प्लेट, क्लच प्लेट थोड़ा सा गर्म है, ठीक है। तो देखिए क्लच प्लेट सब खुल गया है। और ये क्लच हब कहते हैं इसको, तो क्लच हब ठीक है। तो सिर्फ क्लच प्लेट चेंज करेंगे, ये 5 क्लच प्लेट है, ठीक है, 5 क्लच प्लेट है। और इसको हम डालने वाले हैं टीबेस का, टीबेस अपाचे RTR का क्लच प्लेट डालने वाले हैं। और ये रहा प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट भी अभी ठीक है, इसको चलाएंगे। और ये तब खराब होता है जब कोई प्रॉब्लम हो। ये रहा जेन्युइन टीबेस का अपाचे RTR का क्लच प्लेट। और देखिए क्लच प्लेट ये भी 5 है, और इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे इसमें हॉर्नेट में। तो इससे हमारा, आप लोग को पता ही है कि अपाची में पिकअप ज़्यादा ही होता है, तो अच्छा रहेगा कि हम अपाची का ही लगा रहे हैं। और ये रहा देखिए, एक क्लच प्लेट लगाने बाद एक प्रेशर प्लेट लगाया जाता है आगे पीछे करके, और एक साथ में अगर डबल डाल देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी डाले नहीं है, हम ट्राई नहीं किए हैं, पर एक दिन ज़रूर ट्राई करेंगे ऐसा लगा के भी कि ऐसा काम करता है। तो इसको अच्छा से फंसाना है, इस सबको मिला के किया जाता है ना, तो फिर क्लच वही होता है ना कि काम नहीं करेगा फिट होने बाद, फिर दोबारा खोलने का मेहनत। एक वाशर अंदर जाएगा, ठीक है, वाशर लगने बाद में आराम से फिट होगा, स्मूथली फिट होता है, इस सब में ज़्यादा ठोक ठाक के फिट करने वाला नहीं है। और एक क्लच प्लेट बाहर रहेगा, तो सब क्लच प्लेट को अंदर नहीं करना है, एक क्लच प्लेट बाहर घाट बना हुआ रहता है उसमें डालना है। उसके बाद इसका नट सीधा चूड़ी खुलता है, सीधा चूड़ी टाइट होता है, तो इसका में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये सब खुल जाएगा। और सब गाड़ी में बजाज में देता है कि उल्टा चूड़ी खुलता है, तो उसका में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये अच्छा से टाइट हो जा रहा है, ये पूलर से फंसा के हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। देखिए पूरा टाइट हो गया, और इसके बाद हम आगे का प्रोग्रेस जारी रहेगा। इसके बाद छोटा सा एक बैरिंग होगा, बैरिंग लगा देंगे। ये बैरिंग ही बहुत काम का चीज़ होता है, ठेल के रखता है क्लच को। जब क्लच मारते हैं तो बैरिंग इसको अंदर लेके जाता है, स्प्रिंग को दबाता है, तब जाके क्लच फ्री होता है, फिर गियर मारते हैं। तो ये रहा है क्लच का बगल में, ये क्रैंक में लगेगा, इसको भी अच्छा से टाइट करेंगे। इसका बीच से जो होल रहता है वो सीधे क्रैंक में जाता है मोबिल। और यहाँ कचरा उचरा जो भी रहता है, डस्ट, सबको साफ करके लगाना चाहिए। पूरा फुल टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा जाली लगाना है, तो ये पुलर से पकड़ के अच्छा से टाइट करेंगे। तो ये जाली लगा ले रहे हैं, जाली साफ करके लगाएंगे। तो इससे मोबिल ऊपर पास करता है, इंजन में ऊपर जाता है हेड तरफ, तो इसको ध्यान से रखना। और ये रहा ऑयल फिल्टर का, इसको क्या स्पॉकेट बोलेंगे या गरारी बोलें, जैसा सबका अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो इसे हम फिट कर रहे हैं, अच्छा से फिटिंग कर देना है, और उसके बाद में इसको टाइट करना है। देखिए सब टाइट हो चुका है, नट लगा दिया जा रहा है। तो ये रहा नट लग गया, नट लगने बाद पूरा फुल टाइट कर देना है सबको।
ताकि ये दोबारा खुले नहीं। देखिए गाड़ी चलने लगा है और ये रहा हमारा हॉर्नेट, गाड़ी कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे ग्राहक जी हैं, थोड़ा सा बोलिएगा कुछ। मेरा गाड़ी बन गया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो ठीक है, तो इसी के साथ में आप वीडियो को एंड करते हैं और ये रहा हमारा हॉर्नेट।